हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो आपकी और हमारी तरह एक नॉर्मल किस्म का इंसान है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है जो शायद उसके घर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा। कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के लड़के से, जो कि अभी 8th क्लास में है। उसकी उम्र बस 13 साल है, लेकिन वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके डैड काफ़ी पैसे वाले हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले अभी एक नया घर लिया है जो कि जंगलों के बीच में है, जहाँ पर किसी का आना जाना काफ़ी कम रहता है। यहाँ जॉन को हम अपने स्कूल में देखते हैं, जिसकी टीचर उसे कुछ सवाल करती है, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज होता है उस जवाब को लेकर। वो कुछ नहीं कहता और बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसका नेचर कुछ इसी तरह का है, बस चुपचाप रहना और जो कुछ भी बात है खुद से करना। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने नए घर में जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली डिनर करती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसके परिवार में भी लोग किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, सभी अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं और खाना ख़त्म होने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सोने से पहले जॉन के डैड उसे आकर गुड नाइट कहते हैं और बोलते हैं कि सुबह उठने पर तुम अपने बेड के नीचे देखना, वहाँ तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा। उधर जॉन की बहन एलिस अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज से बातें करने में बिजी होती है। अगली सुबह होती है और हम जॉन को एक नया ड्रोन उड़ाते हुए देखते हैं, यानी कि यही उसका सरप्राइज़ था। वो उसे जंगल के दूसरे साइड लेकर जाता है, जहाँ पर वो क्रैश हो जाता है। तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ उसे कुछ बंकर दिखाई देते हैं जो कि अधूरे थे। इन्हें World War II के टाइम पर बनाना शुरू करा गया था, लेकिन फिर जंग खत्म होने के बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन आज इस पर जॉन की नज़र पड़ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा गौर नहीं करता और अपने ड्रोन को ढूंढने लगता है जो कि पेड़ पर अटक गया था। अब उसे नीचे लाने के लिए उसे पहले तो उस पर चढ़ना होगा, जो कि वो चढ़ भी जाता है, लेकिन नीचे उतरते टाइम उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिसके बारे में वो किसी को कुछ बताता नहीं और घर जाकर पूल में नहा लेता है। वो कुछ टैबलेट्स को खाता है जो किसकी थी ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, वो इन्हें लेते समय काफ़ी डर रहा था। खैर, इसके बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर जॉन अपने डैड माइकी को बताता है कि उसने वो ड्रोन खो दिया है, जो कि झूठ था। वो उसे थोड़ा बहुत सुनाते भी हैं कि तभी बीच में जॉश आ जाता है, एलिस का बॉयफ्रेंड, जिसके बारे में माइकी को भी पता नहीं था, इसलिए वो अपनी वाइफ से पूछता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ खास जवाब नहीं देती। इसके बाद जॉन अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने कल जंगल में कुछ बंकर्स देखे हैं। ये सुनकर माइकी थोड़ा हैरान हो जाता है, तो उसकी माँ पूछती है कि तुमने वो कहाँ पर देखा, तो वो डायरेक्शन बताता है, जिसके बाद माइकी बोलता है कि असल में इसके पहले यहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे जो कि ज्यूस थे। उन्हें किसी बात का खतरा था, इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वो बंकर बनवाना शुरू किया, पर उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। लेकिन तुम अब वहाँ पर कभी मत जाना, वो जगह सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जॉन को कुछ अजीब सा रिएक्शन देते हुए देखते हैं, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो, लेकिन आखिर ऐसा क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अब उसी दिन उसकी एलिस से भी बहस हो जाती है, क्योंकि वो उसके रूम के वॉल पर बार बार बॉल मार रहा था। उसके मना करने पर भी वो ऐसा बार बार करता है। अभी स्कूल से लौटते टाइम वो अपने रूम के बाहर चार्ली को देखता है, जो कि उसका गार्डनर है, यानी कि माली। वो अपने रोज के काम को पूरा करने के लिए आया हुआ था। वो उसके पास जाता और उससे सवाल करता है कि आखिर वो उन घासों को क्यों काट रहा है। वो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने पौधों को खराब करती है। तभी चार्ली के कंधे पर एक स्पाइडर आ जाता है, जो कि जहरीला नहीं होता, इसीलिए वो उसे काटने पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ जॉन के अजीब गरीब सवाल रुक नहीं रहते और आखिर में वो उससे कहता है कि मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, और घर जाने पर वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसे पीते ही चार्ली भी होश हो जाता है। कुछ देर बाद जॉन उसके पास जाता है और उसे अच्छे से हिला डुला कर देखता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो सच में भी होश हो गया था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले जॉन उसके पॉकेट में कुछ रख देता है, जो क्या था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज़ के बारे में अभी उसके घर वालों को पता नहीं है और ना ही वो उन्हें कुछ बताता है, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाला है। अब रात होने पर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन जॉन आधी रात तक गेम खेलता रहता है, जिसमें उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है। वो कहता है कि हाँ, वो सभी ठीक है, उन्हें क्या होगा। गेम खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे अपने सभी परिवार वालों के रूम में जाता है और देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं, या फिर ये कहें कि सभी बेहोश पड़े हुए, क्योंकि खाने में आज जॉन ने कुछ मिला दिया है, सेम ऐसे ही जैसे उसने चार्ली के ड्रिंक में मिलाया था। इसके बाद वो अपने डैड को घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है और उनके फ़ोन और वॉलेट को निकाल लेता है। वो एक एक करके सभी परिवार वालों को बाहर लेकर आता है और फिर उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम एक सारा नाम की बच्ची को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के साथ बैठी हुई है, जो कि उसे उसके डैड के बारे में बता रही है, क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी। अब वो उसे एक कहानी सुनाती हैं, जो कि जॉन नाम के लड़की की होती है, जो दिखने में तो बहुत शरीफ था, लेकिन उसने कुछ ऐसा करा जो किसी ने सोचा तक नहीं था।
ये कहानी एक बार फिर से वहीं पर आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि उसी जंगल में जहाँ पर सबसे पहले एलिस को देखते हैं, जो उठते ही साथ बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो तो अपने रूम में सो रही थी तो यहाँ पर कैसे आ गई। एलिस फौरन अपने डैड को जगाती है, जो आसपास देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी तरह का बंकर है। शायद ये वही बंकर है जो उनके घर के पास मौजूद था। वो फौरन अपनी वाइफ को उठाते हैं, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। एलिस को लग रहा है शायद वो मर चुकी, लेकिन तभी वो जाग जाती है और देखती है कि जॉन उनके साथ नहीं है। वो सारे जॉन को आवाज लगाने लगते हैं मदद के लिए, लेकिन वो तो घर पे आराम से शाल ले रहा था। फिर बाद में वो चार्ली को अपनी मॉम के फोन से कॉल करके कह देता है कि उन्हें अब काम पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके डैड अब गार्डन का काम संभाल लेंगे। ये सुनकर चार्ली थोड़ा सवाल करता है, लेकिन वो पहले ही फोन कट कर देता है। फिर अपने डैड की कार लेकर आराम से टाउन जाता है, जहाँ से कुछ खाने का सामान लेकर आता है। उन्हीं के एटीएम से कुछ पैसे भी निकाल लेता है और वापस घर आ जाता है। वो आज बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रहा था, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया ये तो किसी को पता नहीं है। हालांकि उसके परिवार वालों को अभी भी भनक नहीं है कि ये काम उन्हीं के बेटे का है। उन्हें अभी भी जॉन की फिक्र हो रही है। सभी को लग रहा है कि शायद किसी चोर ने उनके साथ ये किया है। फिर जॉन घर पे आराम से खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी गेट पर कोई आता है और ये असल में पौला होती है, उसकी मॉम की दोस्त। उसके मॉम के बारे में वो पूछती है, लेकिन जॉन झूठ कह देता है कि वो लोग उसके दादाजी के घर गए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उन्हें भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, इसीलिए वो बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जॉन फिर से इस बड़े से घर में अकेला हो जाता है। शायद वो यही चाहता था, उसे अपने परिवार के लोग पसंद नहीं थे और उसे आज़ादी और शांति चाहिए थी। वहीं उसका परिवार परेशान था, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि असल में ये सब हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद उस बंकर पर जॉन जाता है पानी और खाना लेकर। वो नीचे गिरा देता है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ये सब कोई करवा रहा है, अगर ऐसा है तो घबराओ मत। लेकिन जॉन कुछ नहीं कहता और बस उन्हें घूरता रहता है। उसके डैड कहते हैं कि जाकर कोई सीढ़ी लेकर आओ जिससे हम लोग यहाँ से निकल सके, लेकिन वो नहीं सुनता। तब एलिस कहती है कि ये काम जरूरी सी ने किया है, और ये सुनकर उसकी मॉम हैरान थी और उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और इतने में वो वहाँ से चला जाता है। किसी को भी यकीन नहीं था कि ये सब उसने किया है, क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटा है। अब घर आने पर वो एक टीवी ऑर्डर करता है और फिर उसे अपने रूम में लगा कर उस पर गेम खेलना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपने दोस्त से कहता है कि मैंने एक टीवी ले लिया है, मेरे पेरेंट्स भी थोड़े टाइम के बाद घर आएंगे, तब तक तुम यहाँ पर आ सकते हो। वो हाँ कर देता है, मतलब ये बंदा फुल एंजॉय कर रहा है। और फिर एक दिन जॉन उसे अपनी डैड की कार से पिक करने जाता है। वो फ्री हो चुका है, इसलिए उसका जो मन करता है वो करता है। उधर उसका परिवार वाले कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके वो उस बंकर से बाहर निकल सके, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन एलिस को अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके बारे में बहुत बुरा भला कहती है। उधर जॉन अपने दोस्त आर्थर के साथ मस्ती करता है। वो पूल में नहाता है जहाँ वो उसे डुबा कर मारने वाला था, पर आए मौके पर वो बाहर आ जाता है। शायद जॉन को कुछ दिमागी प्रॉब्लम है जो अभी तक हमें बताई नहीं गई है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। उधर बंकर में एलिस उस खाने को खाने लगती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन माइकी कहता है कि ऐसा मत करो, हम ये खाना नहीं खा सकते, शायद इसमें कुछ मिलाया गया हो, लेकिन वो नहीं सुनती। और फिर बाद में माइकी भी वो खाना खा लेता है, लेकिन कई दिन हो गए थे, इन्होंने सही से टॉयलेट भी नहीं किया था। एलिस कहती है कि उसे वॉशरूम करना है, तो उसके मॉम डैड मुंह पीछे कर लेते हैं और फिर वो वहाँ पर पॉलिथीन में टॉयलेट करती है। वो बताती है कि एक बार उसने मुझसे सवाल भी किया था, जैसे कि एडल्ट होने पर क्या होता है, क्या वो अभी भी बच्चा है, वो लोग उसके साथ ऐसे बात क्यों नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत ही कम जवाब दिया, शायद यही वजह है कि वो आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन माइकी को अभी भी लगता है कि शायद उसे ये सब कोई करवा रहा है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। उधर घर में दोनों मस्ती कर रहे थे, आइसक्रीम खाते हैं और कुछ गेम्स भी खेलते हैं। इसी दौरान आर्थर को शक नहीं होता, असल में उसके दोस्त का परिवार बंकर में रह रहा है। उधर मॉम वो केले के छिलके को खाती हैं क्योंकि अब खाना खत्म हो चुका है और उन्हें कैसी भी करके खुद की भूख मिटानी है, लेकिन उन्हें वो टेस्ट पसंद नहीं आता। तो वो कहती है कि मैं कुछ दिन में पौला से मिलने वाली थी, शायद जब वो घर आए तो उसे कुछ शक हो, वो पुलिस को कॉल कर दे, होप सो ऐसा ही हो। लेकिन अभी इस समय इन तीनों को यहाँ पर रहते हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया है और इस खाली समय में वो चुपचाप बैठे रहते हैं। आर्थर के आने की वजह से जॉन भी अब उन्हें खाना देने नहीं जाता था। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद आर्थर कहता है कि अब उसे घर जाना है क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। जॉन उसे स्टेशन छोड़ने जाता है, बीच रास्ते में वो उसे कुछ पैसे भी निकाल कर देता है, जिसे देखकर आर्थर को थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। वो कहता है कि ये मेरे हैं, अगर तुम्हें कुछ और पैसे चाहिए तो मुझसे ले सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर जॉन अकेला पड़ चुका था और अपने घर आ जाता है। जैसे कि मॉम ने कहा था कि कुछ दिन बाद पौला फिर से उनके घर आती हैं क्योंकि उनका गोल्फ खेलने के लिए जाना था। पौलो को लगता है कि शायद अब तक वो आ गई होगी,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी भी वो जॉन को घर में अकेला देख और जॉन से पूछती है कि आखिर साफ सफाई कौन करता है, तो वो कहता है कि मेड यहाँ पर आती है। अब ये सुनकर पॉला जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि आज आप यहीं रुक सकती है, और ये बोलकर वो उसके करीब आने लगता है, जिसे पॉला घबरा जाती है और समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो मॉम को कॉल लगाती है, लेकिन फोन तो घर पर ही होता है। यहाँ पर जॉन बहाना मार देता है कि वो अपना फोन घर पर छोड़ कर गई है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही समय बाद रात हो जाती है और हमें एलिस को दिखाया जाता है, जिसकी हालत अब बहुत ही बुरी हो गई है। वो जैसे तैसे करके बस अपने दिन काट रही है। तभी माइकी अपनी वाइफ एना से पूछता है कि आखिर तुमने उसे उस दिन क्या कहा था जो कि वो हमारे साथ ये सब कर रहा है। लेकिन वो कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सारा को देखते हैं, जिसकी मॉम ये कहानी हमें सुना रही थी। यहाँ पर सारा कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना है जहाँ पर वो जा रही है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि अभी वो छोटी है, इसीलिए उसे स्कूल जाना चाहिए। लेकिन वो मना करती है कि इसे स्कूल नहीं जाना क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि जॉन भी बड़े लोगों की तरह बनना चाहता था, जैसे कि वो अकेले रहता है, खुद के पैसे खर्च करे, लेकिन उसे ऐसा करने पर उसके परिवार वाले रोकते थे, इसीलिए शायद उसने उनके साथ ऐसा किया। वेल, अब अगले दिन पॉला एक कॉप को लेकर उसके घर आती है। वो गेट नहीं खोलता और उस ऑफिसर के पास कोई वारंट भी नहीं था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। अब 22 दिन बीत जाते हैं। इतनी दिनों में जॉन ने सिर्फ वही किया जो उसका दिल कह रहा था। वहां बंकर में अब सभी बहुत कमजोर हो गए थे। माइकी कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। वो एलिस भी यहाँ पर रहते रहते तंग आ गई थी। ऊपर कोने पे बैठा जॉन ये सब सुन रहा होता है, जिसके बाद वो पूल में जाकर नहाने लगता है कि तभी वहां पर चार्ली आता है। उसे लगता है कि शायद वो पूल में मर गया क्योंकि वो उसी तरह से लेटा हुआ था, लेकिन वो तो जिंदा था। चार्ली कहता है कि मैं ये पास वाले घर में काम कर रहा था, तो जॉन बोलता है कि ठीक है रुको मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ, लेकिन वो चला जाता है, जिसके बाद जॉन जाकर कुछ खाने के लिए बनाता है। उधर बंकर में तीनों पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। इतने में वहां जॉन आ जाता है खाना लेकर और उन्हें दे देता है। वो कई दिनों से भूखे थे, इसीलिए पागलों की तरह उसे खाने लगते। जॉन भी उसके पास बैठकर खाना खाता है। फिर एलिस एक सुबह उससे कहती है कि तुमने हमें खाना दिया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बस हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन वो वहां से चला जाता और फिर देर रात एक सीढ़ी लाकर वहां लगा देता है। और जब अगले दिन वो लोग सोकर उठते हैं तो उस सीढ़ी को देखकर बेहद खुश होते हैं और बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें पूल में उसी दिन की तरह जॉन लेटा हुआ मिलता है। उन्हें भी वही लगता है जो चार्ली को लगा था, लेकिन यहाँ जॉन जिंदा था, जिसके बाद वो लोग उस बंकर को बंद करवा देते हैं और फिर साथ में बैठ कर डिनर करते हैं। यहाँ कोई भी जॉन को कुछ नहीं कहता, जो कि बहुत ही अजीब होता है क्योंकि कोई और माँ बाप होते तो जरूर एक बार उसे डांटते। वहीं हम प्रेजेंट में देखते हैं सारा भी ऐसे ही किसी होल के पास जा रही थी, क्योंकि उसके मॉम डैड भी जॉन के मॉम डैड की तरह थे, कुछ ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, और इसीलिए शायद वो ऐसा कदम उठाने वाली है जो कि हमें आने वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने बच्चों के साथ बात करिए, क्या पता वो कैसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, अपने फोन से हटकर थोड़ा सा उनसे बात करिए। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।